हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान अब कुलगीत भी गाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों के लिए कुलगीत तैयार किया है। इसके अलावा 5 विभिन्न प्रार्थनाएं भी तैयार की गई हैं। स्कूलों को प्रार्थना सभा के दौरान कुलगीत गाना अनिवार्य होगा। कुलगीत व प्रार्थनाओं को सीएम जयराम ठाकुर ने वर्चुअली रिलीज किया। इसके अलावा स्कूल शिक्षा बोर्ड के शिक्षक सदन की आधारशिला भी रखी। शिक्षा बोर्ड का शिक्षा सदन 4,90,00,000 रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा। इस शिक्षक सदन में अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। बोर्ड कार्यालय में बैठकों के लिए आने वाले शिक्षकों को इस सदन में उचित दामों पर ठहरने की व्यवस्था होगी। इसके लिए बोर्ड सरकार के आदेशों एवं नियमों के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से मूल्य तय करेगा। इस भवन में लाइब्रेरी की भी व्यवस्था की जाएगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के आवासीय परिसर का लोकार्पण, जो 1,71,00,000 की लागत से बन करके तैयार हुआ, उसका लोकार्पण आज हमने किया। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश शिक्षा स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय धर्मशाला में जो हमारा शिक्षक सदन बनना है, उसके लिए भी बहुत लंबे समय से आग्रह था कि इसको शुरू किया जाए, ये बनना चाहिए। तो आज उसका 4,90,00,000 की लागत से उसका विधिवत शिलान्यास किया गया। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कि शिक्षा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लिए आज से नहीं वर्षों से एक बेहतरीन क्षेत्र रहा, जहाँ अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम किया है। अभी भी इंडिया टुडे के जो हमारा सर्वेक्षण है, जो बड़े स्टेट हैं जिन प्रदेशों की जनसंख्या 60,00,000-70,00,000 से ऊपर है, उस श्रेणी के सभी उसके बाद बड़े राज्यों को भी, उसमें भी शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया है और उसमें हिमाचल प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उसके लिए भी मैं आप सबको, मंत्रिमंडल के हमारे साथी गोविंद ठाकुर जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हिमाचल प्रदेश की जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का मैं जिक्र करूँ, तो हम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े। चाहे वो लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, हम केरल के बराबर की स्थिति में आज की तारीख में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि केरल नंबर 1 पर है, और लेकिन हमारा ये मानना है कि हिमाचल नंबर 2 पर नहीं, हम केरल के बराबरी में है अगर आज की तारीख में उसमें सर्वेक्षण की अगर बात हो। और उसके बाद दूसरा जो है फोकस हमारा अब जो है एक्सपेंशन के साथ साथ में अब क्वालिटी एजुकेशन पर हमको फोकस ज्यादा करना है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या तो रखे साया अभिमान, या तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।